मैं चाहती हूं कि आप श्री हरि नारायण और महादेव मेरे पुत्र का प्रारब्ध परिवर्तित कर दें, उसे देवत्र प्रदान करें। क्षमा करें माता, किंतु मैं आपका ये प्रस्ताव समझने में असमर्थ हूं। क्या केवल केवल भोलेनाथ और आपके पुत्र होने मात्र गजानन को हम देवता के पद पर स्थापित कर सही देवराज, उसे देवत्व प्रदान कीजिए, क्योंकि उसमें ही गजानन की सुरक्षा निहित है। यदि देवता बनकर यज्ञ के हावेश का भाग उसे भी प्राप्त होगा तो उसे बल मिलेगा, सभी संकटों का सामना करने में सक्षम होगा, सुरक्षित रहेगा, कोई अनिष्ट उसके निकट भी फड़क नहीं सकेगा। हाँ, ये उचित है। गजानन को देवत्व प्रदान करके हम उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। किंतु प्रभु, इस संसार में अनेकों बालक हैं और वो भी नाना प्रकार की विपदाओं में घिरे हुए हैं, क्या हम उन्हें सुरक्षित करने मात्र उन्हें देवत्व प्रदान करते क्या ये उचित होगा? और यदि उचित नहीं है तो गजानन को केवल वंश के आधार पर देवत्व प्रदान कर देना उचित होगा? मात्र माता पार्वती और भोलेनाथ का पुत्र होने कारण हम उन्हें वो पद प्रदान करते जिस पद की योग्यता प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया, जिस पद के दायित्वों की उन्हें कोई समझ देवराज इंद्र, आप जो भी कहना चाहते हैं स्पष्ट कहिए, बताइए हमें आपका क्या प्रस्ताव है। क्षमा करें महादेव, किंतु मुझे आपके पुत्र से कोई द्वेष नहीं और ना ही मैं उसका कोई अहित चाहता हूं। जब उन्हें एक नवीन शीश की आवश्यकता पड़ी तो प्रभु वो मैं ही था जो उनके लिए शीश लेकर आया था, फिर मैं उनका अहित कैसे चाह सकता हूं प्रभु? इसलिए आप जो भी निर्णय लेंगे वो मुझे स्वीकार होगा। किंतु प्रभु, मेरा एक प्रश्न, यदि आप अनुमति दे तो मैं पूछने का साहस करूं। प्रभु, क्या देवत्व तो किसी को भी इतनी सरलता से मिलना चाहिए? देवत्व प्राप्त करने का एकमात्र कारण योग्यता प्रमाणित करने वाला कर्म होना चाहिए जन्म नहीं यदि जन्म से ही देवत्व प्राप्त होने लगे तो कर्म की क्या महिमा रह जाएगी? देवराज उचित कह रहे हैं। देवराज उचित ही तो कह रहे हैं। आप ही बताइए महादेव, क्या मैं उचित नहीं कह रहा? गौरी, देवराज इंद्र उचित कह रहे हैं। जन्म नहीं कर्म के आधार पर, वंश नहीं योग्यता के आधार पर ही देवत्व प्रदान किया जा सकता है, यही उचित है। गजानन अपने कर्म से देवता बनेगा, अन्यथा नहीं, क्योंकि देवता पद के साथ तो संसार का कल्याण जुड़ा है। इसलिए जो अपने कर्मों से अपनी योग्यता प्रमाणित नहीं कर सकता, उसे मात्र उसके वंश उसके जन्म के आधार पर देवता बनाना सर्वथा अनुचित है। पार्वती माँ है, उनकी ममता अपने स्थान पर उचित है, क्योंकि माँ अपनी संतान के लिए कुछ भी कर सकती है। किंतु हम देवता हैं और पार्वती और मैं तो
त्रिदेवों में सम्मिलित हैं, इसलिए हमारा दायित्व तो अन्य सभी देवताओं से बढ़कर है। दायित्व कर्तव्य के आगे निजी संबंध और निस्वार्थ का कोई मूल्य नहीं होता। इसलिए समय के साथ साथ मेरा पुत्र गजानन अपनी योग्यता प्रमाणित करेगा, तभी उसे देवत्व प्रदान किया जाएगा, अन्यथा नहीं। धन्य है महादेव, धन्य है आपका यह न्यायोचित निर्णय। माँ, मुझे भूख लगी है। मैं बहुत भूखा हूँ माँ। अब क्या मैं कुछ भोजन कर सकता हूँ? इसे देवत्व प्रदान करने पर इतना गहन परामर्श हो रहा है, उसे बस अपनी भूख की चिंता है। माँ, मुझे भोजन करने की अनुमति दीजिए ना, अब मुझसे भूख सहन नहीं हो रही। हाँ पुत्र, मैं तुम्हें अवश्य भोजन कराऊंगी। माँ के पल्लू से चिपका ये बालक देवता बनने योग्य तो कदापि नहीं। भोले के नंदन भी भोले भाले, राग द्वेष व्यर्थ ना मन में पाले। माता के आंचल को पाके प्रसन्न, भोजन में क्रीड़ा में रहते मगन। क्या है देवत्व वो मन के हैं, माता के नेह पे पिता के हैं। इंद्र से यद्यपि माता को पितर, किंतु माँ पुत्र को देख के पुलकित। आनंद, अति आनंद माँ। देवत्व प्राप्त करने का एकमात्र कारण योग्यता प्रमाणित करने वाला कर्म होना चाहिए। और हाँ, एक कोई थे यहाँ, ऐसा प्रतीत हुआ उन्हें देखकर जैसे वो कोई भयंकर असुर हो। देवराज इंद्र उचित कह रहे। उचित, यदि यही निर्णय है आप सभी का तो यही उचित। देवराज, उचित और अनुचित, योग्यता और अयोग्यता की बातें करते, ये जानते हुए भी कि मेरे पुत्र ने इतनी कम आयु में इतने विशाल संकटों का सामना किया। और जब उस पर अपने पिता के क्रोध को जागृत करने का संकट छाया, तो उस समय आप सभी सर्वथा योग देवगण में से कोई भी उसकी रक्षा के लिए नहीं आया। उचित तो ये होता देवराज कि आप उससे संघर्ष करने के स्थान पर उसे समझाने का प्रयत्न करते, क्योंकि वो तो एक अयोग्य बालक है और आप सभी योग्यताओं से परिपूर्ण देवराज इंद्र। किंतु माता वो। किंतु परंतु नहीं देवराज, उचित तो ये होता कि आप उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व निभाते। पूर्व में उसके संहार का कारण बने थे आप, और अब उसका तिरस्कार कर रहे हैं। क्या ये उचित है? किंतु अब तो मेरे लिए आपसे कोई भी अपेक्षा करना ही अनुचित है। मैं हूं उसकी माँ, जन्म दिया है मैंने उसे, सर्वथा समर्थ हूं मैं, तो उसकी रक्षा करने का दायित्व भी मैं ही निभाऊंगी।
योग्यता और संस्कार जन्म से नहीं आते, कर्म से उन्हें प्राप्त करना होता है। उचित कह रही हूं ना मैं देवराज इंद्र? देवता है ना आप, और आप सभी भी, बहुत गर्व है ना आप सभी को देवता होने पर। संस्कार और योग्यता उचित और अनुचित के भेद बता रहे हैं ना, तो ये भी बताइए मुझे कि बिना अवसर प्रदान किए एक छोटे से बालक का तिरस्कार कहाँ का संस्कार है इंद्रदेव? पार्वती के मन में उमड़ी ममता। और रही बात योग्यता की, तो वो सभी में होती है, बस उसे निखारने के लिए उचित मार्गदर्शन और निरंतर परिश्रम की ही तो आवश्यकता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ देवराजेंद्र, जब आपको आवश्यकता थी तो आपने मेरे पुत्र कार्तिकेय को सहस्र स्वीकार किया, अद्भुत बालक परमा, पुत्र कार्तिकेय की स्वीकार ही नहीं किया, उसे देवताओं के सेना का सेनापति भी नियुक्त कर दिया। तब आप संकट में थे ना देवराज, स्वर्ग संकट में था, स्वार्थ था आपका, विपत्ति में उचित और अनुचित का भेद भूल गए हैं आप। और आज जब आवश्यकता नहीं है तो मेरे दूसरे पुत्र गजानन का तिरस्कार कर रहे हैं आप। परंतु माता, मेरा वो अर्थ, अर्थ अनर्थ आपका स्वार्थ नहीं निर्धारित करता इंद्रदेव, आपका अभिमान मेरे पुत्र के अपमान का कारण नहीं बन सकता। सुनिए सभी, मैं महादेव की अर्धांगिनी गजानन की माता आप सभी के समक्ष ये प्रण लेती हूं कि मैं अपनी ममता से, अपने संस्कारों से अपने पुत्र को इतना योग्य बनाऊंगी कि वो अपने कर्म से देवता ही नहीं बनेगा, अपितु आप सभी देवता उसकी पूजा करेंगे, सभी देवता उसकी पूजा करेंगे, आप सभी देवता उसकी पूजा करेंगे। और ये योग्यता वो प्राप्त करेगा अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से। मेरा पुत्र गजानन प्रथम पूज्य बनेगा, प्रथम पूज्य बनेगा, प्रथम पूज्य बनेगा, प्रथम पूज्य बनेगा। सभी एकत्रित हैं यहाँ, उत्सव है, तो फिर माता का व्याकुल स्वर मेरे कानों को क्यों भेद गया? महादेव प्रणाम, अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। प्रणाम माता। गजमुख गजानन, महादेव और माता पार्वती के पुत्र होता हूँ, और ये तुम्हारा सौभाग्य है, खुशी में संतुष्ट रहो, देवत्व प्राप्त करने के योग्य नहीं हो तुम। महादेव अब हमें आज्ञा दीजिए। स्वामिनी सिंघिका, कितना आनंद आएगा मुझे जब ये गूंज पाताल को ही नहीं अपितु समस्त संसार को ध्वनित कर देगी। आह, मेरा राज मुकुट है ये, और ये सिंहासन भी, पाताल की सर्वे सर्वा, असुरों की रानी हूं मैं। Thank you.
ऐसे नेत्र फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? झुको मेरे समक्ष, अभिवादन करो मेरा। आज से इस सिंहासन पर मेरा अधिकार है। मैं हूं तुम्हारी रानी, मैं सिंघिका। क्योंकि अब तक तो उस मूर्ख सिंदूरा की कैलाश यात्रा उसकी मृत्यु यात्रा बन चुकी होगी। कैलाश जाकर महादेव और देवी पार्वती के पुत्र का वध करने चला था वो, ब्रह्मदेव के श्राप को छुटलाने चला था वो। अवश्य अब तक उसका अंत हो गया होगा, इसलिए अब सिंदूरा के सिंहासन, उसके साम्राज्य और उसके कक्ष पर मेरा अधिकार है। तो जाओ, जिन ऋषि मुनियों को तुम पकड़ कर लाए हो उन्हें मेरे समक्ष मेरा भोजन बना के प्रस्तुत करो। भूख लगी है मुझे, मुझे भोजन चाहिए, मुझे भोजन चाहिए, मुझे भोजन। अन्यथा इस बार तुम्हारा शीश तुम्हारे घर से विलग हो जाएगा। स्वामी, कुछ अनुचित तो नहीं कहा ना मैंने? माता का हृदय तो सब कुछ जान लेता है। मेरे बिना कुछ कहे ही माता को आभास हो गया कि मैं यहाँ हूँ। मेरा पुत्र। हाँ माता, आपका पुत्र यही है। मैं आ गया हूँ माँ, अब आपके सब कष्टों को दूर कर दूंगा मैं। से मिलने मुझे आशीष देने नहीं आ रही थी। स्पर्श भी न कर सके, उसके कोमल प्राण सभी विपदाओं से सुरक्षित रहे, बस इतना ही चाहती थी। माता ने मुझे देखकर भी मुझे अनदेखा कर दिया। कौन है ये जिसे माँ अपना पुत्र बुला रही है? तो क्या कुछ अधिक मांग लिया मैंने जो किसी ने भी मेरा समर्थन नहीं किया, मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, मेरे पुत्र का उपहास किया, तिरस्कार किया उसका। यदि मेरा बड़ा पुत्र कार्तिक के यहां होता तो वो मेरी पीड़ा अवश्य समझता, साथ देता अपनी माँ का। तो माता ने अनदेखा नहीं किया मुझे? सत्य तो ये है कि उन्होंने मुझे देखा ही नहीं। माता, ये स्वर तो मेरा पुत्र, कहाँ हो तुम पुत्र? यही हूँ माँ।
प्रणाम माता। पिताश्री। आयुष्मान भव। पुत्र तो मां गए पुत्र। मां का पुत्र तो मैं हूं, फिर ये कौन है? ये विचित्र कछमुख बालक कौन है और ये मेरे और माता के मध्य क्यों है? इसका हमारे परिवार से क्या संबंध है?